नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 17 अक्टूबर 2021 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज, शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं, डीएलएड और बीएड के छात्रों के साथ दोस्तों बड़ा धोखा। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। अगर आप नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद कर रहे हैं तो ये दोस्तों वीडियो आपके लिए बेहद खास है। 20 दिसंबर के बाद दोस्तों कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। 20 दिसंबर के बाद दोस्तों लग सकती है आचार संहिता। जी हाँ दोस्तों, इस समय की बड़ी अपडेट। और आपको दोस्तों पहले बता दें, जो हमारा यूपी टेट का रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारा 28 दिसंबर को। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि शिक्षक भर्ती आने वाली है नहीं आने वाली। याद रखिए दोस्तों, आचार संहिता लगने के बाद नई भर्ती की घोषणा नहीं हो सकती। अगर नई भर्ती का विज्ञापन पहले आ जाता है तब दोस्तों हमारा पेपर जनवरी 2022 में भी हो सकता है, फरवरी 2022 में भी हो सकता है, लेकिन उसका विज्ञापन आना बेहद जरूरी है। जैसे दोस्तों यूपी टेट की बात हुई थी ना कि कितने पदों पर, मतलब कब से इसके लिए आवेदन शुरू होगा, क्या क्या मैटर था, तो वैसे ही दोस्तों अगर सुपर टेट के लिए ये नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब देखिए दिक्कत आ जाएगी। देखिए एक बात और याद रखिए, चुनाव आयोग ने निर्देश पत्र जारी किया है। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्देश जारी हुआ है। ठीक है, यूपी सरकार का दोस्तों जो कार्यकाल है 14 मई 2022 तक है, जनवरी और फरवरी के बीच हो सकते हैं चुनाव। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। एक और दोस्तों बता दे बड़ी अपडेट, डीएलएड दोस्तों छात्रों की भैया एक बड़ी जीत हुई है। देखिए बड़ी जीत कहाँ पर दोस्तों हुई है, जैसा कि हमने आपको अपडेट दिया था, पंजाब शिक्षा विभाग का बड़ा निर्णय, लेवल 1 में से मतलब बीएड को बाहर कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पंजाब में भैया बीएड बाहर हुआ। वैसे ही दोस्तों अपडेट हमें जयपुर या राजस्थान रीट परीक्षा में देखने को मिली। 26 सितंबर को राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2021 का आयोजन किया गया है। इस परीक्षा से पहले इसमें शामिल हो रहे करीब 13.5 लाख बीएड डिग्री धारकों को राजस्थान हाई कोर्ट से झटका लगा। हाई कोर्ट ने रीट से पूर्व बीते शुक्रवार को रीट 2021 बीएड बीएसटीसी मैटर बीएड डिग्री धारकों को लेवल 1 का परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, बीएड छात्रों को झटका लग रहा है। देखिए बीएड के बच्चे टीजीटी के लिए बने हैं भैया, उनको टीजीटी की अच्छी तैयारी होती है, उधर नौकरी ले जाए। डीएलएड के बच्चों को भैया प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अच्छी नॉलेज होती है, इधर नौकरी लेकर जाए। एक और बड़ी अपडेट, यूपी में एनआईओएस से डीएलएड करने वाले 1.5 लाख अभ्यर्थियों को बड़ा झटका, यूपी टेट से हुए बाहर। इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कही यह बात। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, एनआईओएस वाला मैटर था, डीएलएड छात्रों की भी मांग थी कि इन बच्चों को बाहर किया जाए ताकि हमारा कंपटीशन उतना कठिन ना हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पर डीएलएड छात्रों की एक बड़ी जीत भी हम कह सकते हैं। उसके बाद एक और अपडेट आई, बेसिक शिक्षा विभाग रिश्वत लेते शिक्षा विभाग के लिपिक का वीडियो वायरल हो गया। ठीक है, लिंक दे दिया जाएगा दोस्तों आप लोगों के लिए। उसके बाद अगली अपडेट, प्रदेश के 737 केंद्रों पर आज जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपको पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली अपडेट दोस्तों देखिए, भरे जाएंगे शिक्षकों के 20,000 से अधिक पद। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। एक और बड़ी अपडेट, एरियर के लिए बेसिक शिक्षकों का हो रहा है शोषण, खुलेआम मांगी जा रही है रिश्वत। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हिसाब से आजकल रिश्वत मांगी जा रही है। ठीक है, बाकी दोस्तों डीएलएड प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट की पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। अगर दोस्तों आपको बता दें, द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट देरी से जारी होता है तो डीएलएड 2019 बैच के लगभग 70,000 बच्चों के लिए दिक्कत आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए 25 अक्टूबर तक यूपी टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाने हैं। आज हमारी तारीख 17 अक्टूबर हो चुकी है। अगर दोस्तों डेट नहीं बढ़ती, जैसे अभी देखिए हमारा सी टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की भैया अंतिम तारीख आने वाली है, अगर अभी तक आपने सी टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो जल्द जल्द कर दीजिए, नहीं तो फिर डेट निकल जाएगी तो आप बाद में परेशान होते रहेंगे। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं। तो दोस्तों हमने बिल्कुल आपको कंफर्म कर दिया कि आचार संहिता लगने के बाद वैकेंसी दोस्तों नहीं आ पाएगी। अगर विज्ञापन पहले आ गया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी दोस्तों दिक्कत ये होती है कि कोई भी नई सरकार आती है तो ऐसा तो है नहीं कि भैया सरकार बनी नहीं तुरंत वैकेंसी का ऐलान हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी एक बात है, या तो वैकेंसी 20 दिसंबर के पहले आ जाए आचार संहिता लागू होने के पहले, या तो फिर दोस्तों आपको कम से कम 2-3 साल का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट निकल कर आएगी वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और देखिए आप लोग इस समय यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करिए, या दोस्तों अगर आप बैक पेपर छात्र हैं द्वितीय सेमेस्टर वाले तो आप लोग अभी चतुर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो इसको अच्छे से करिए। अगर आप लोग दोस्तों 2021 बैच के नए बच्चे हैं तो आप लोगों को बढ़िया से तैयारी करनी है। आपका पेपर अभी 2022 में ही होगा, 2021 में तो आपका फिलहाल पेपर होगा नहीं, 6 महीने के बाद ही पेपर होता है।
तो एक एक करके दोस्तों हम आज की सारी अपडेट को देखेंगे। भरे जाएंगे शिक्षकों के 20,000 से अधिक पद, क्या दोस्तों मामला है? जूनियर हाई स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षा तक 6 माह के भीतर शिक्षकों की कमी पूरी हो जाएगी। जूनियर हाई स्कूलों, माध्यमिक विद्यालयों और उच्च शिक्षा में शिक्षकों के 20,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। माध्यमिक विद्यालयों में तो 1 माह के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाने के आसार हैं। वही दोस्तों देखिए, प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में एवं महाविद्यालयों में भर्ती अगले 6 महीने में भीतर मतलब पूरी कर ली जाएगी। प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के 1894 पदों पर भर्ती होनी है, जिसका दोस्तों पेपर आज होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर टीजीटी की वैकेंसी की बात हो रही थी, जो कि 15,198 पद थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर टीजीटी एवं प्रवक्ता दोनों के पद थे, पीजीटी के भी, ठीक है? ये दोस्तों मामला था। तो ऐसे करके वैकेंसीज चल रही हैं। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी नई भर्ती की बात है, अगर उसमें लेट लतीफी होगी तो हमारा नुकसान होगा। तो हमें दोस्तों अभी से प्रयास में जुटना पड़ेगा। ट्विटर के माध्यम से लगातार अभियान चल रहा है, ठीक है? तो आप देखिए, अगर अधिक से अधिक संख्या में जुड़ेंगे तभी हमें इसका फायदा मिलेगा, नहीं तो चुनाव आएगा चला जाएगा। देखिए पिछले दिनों में दोस्तों काफी ज्यादा आवाज उठाई गई थी नई भर्ती को लेकर। अब देखिए 2019 बैच का जो हमारा चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट है, देखिए नोटिस पर नोटिस आजकल पीएनपी की तरफ से आती रहती है। एक और नोटिस थी कि डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण बैच 2013-14, 15-17-18 एवं 19 चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2021 की उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन हेतु प्राप्त कराए जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश आया है। तो गाइस देखिए, ये सब चीजें चल रही हैं, ठीक है? नोटिस का दोस्तों लगातार दौर जारी है, जो भी अपडेट निकल कर आएगी वो अपडेट हम आपके सामने रखेंगे, ठीक है? बाकी आपको पता है कि पेपर होता है, उसके बाद पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है, कभी दोस्तों पेपर निरस्त कर दिया जाता है, ऐसा आपको यूपी टेट और सुपर टेट में भी देखने को मिल सकता है। तो अच्छे से तैयारी करिए, अगर दोस्तों धांधली हो जाती तो फिर उसकी जो कट ऑफ होती, मेरिट होती, वो ज्यादा हाई चली जाती है, ठीक है? नॉर्मली हम आपको बता दें, अगर आप लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो 150 में से दोस्तों जनरल कैटेगरी की जो हमारी पासिंग मार्क होती है वो 97 नंबर होती है। बाकी दोस्तों अगर आप आरक्षित वर्ग में आते हो, ओबीसी, एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के छात्र हैं, तो आपके लिए पासिंग मार्क 90 नंबर। मतलब आप समझ सकते हैं कि यूपी टेट में दोस्तों जो ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप की पासिंग मार्क होती है वो 82 नंबर है, तो सीधे आपका दोस्तों सुपर टेट में 8 नंबर बढ़ जाता है। वही दोस्तों 97 नंबर जो आप यहाँ देख रहे हैं, जनरल की दोस्तों जो नॉर्मल पासिंग मार्क होती है यूपी टेट या सी टेट में 90 नंबर, ठीक है? ये सब बातें अगर आपको पता होंगी उसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे तभी आप एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने एक और दोस्तों नियम लगाया, पिछली बार कोर्ट में क्या हुआ था कि भैया सरकार ने ये प्रूव कर दिया कि फाइनल जो कट ऑफ होगी वो सरकार समय समय पर बदल सकती है। हमारी जो पासिंग मार्क है 90-97, ये तो हाई है, इससे दोस्तों कम भी किया जाता है, किया जा सकता है मतलब पासिंग नंबर को, और ज्यादा भी किया जा सकता है। पूरी पावर सरकार के हाथ में होगी और दोस्तों आप इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। ये दोस्तों मामला कोर्ट में गया था, काफी ज्यादा बवाल हुआ, ठीक है? सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, तब जाकर 69,000 शिक्षक भर्ती में छात्रों को नियुक्ति पत्र मिला। तो पंजाब की दोस्तों अपडेट आपने देख लिया, और देखिए अगर यहाँ पर बीएड के छात्रों को बाहर कर दिया गया तो डीएलएड छात्रों के लिए भैया नौकरी बहुत ही आसान हो जाएगी, ठीक है? तो ये दोस्तों मामला, चलिए एनआईओएस वाला मामला देखते हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद संजोए करीब 1.5 लाख अभ्यर्थी पहले ही पायदान पर अटक गए। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को अभी मान्य नहीं किया गया है, जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने जनवरी में इस पाठ्यक्रम को मान्य करने के लिए सरकारों को पत्र लिखा था। अब सरकार के निर्णय पर सभी की निगाहें टिकी है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में वे अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं जो केंद्र या राज्य की टीईटी उत्तीर्ण हो। एनआईओएस से डीएलएड कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को अब तक यह मौका नहीं मिल सका है, जबकि इस परीक्षा में उन शिक्षा मित्रों को अवसर दिया जा चुका है जो पत्राचार के माध्यम से डीएलएड कर चुके थे। इसकी वजह एनसीटीई की नियमावली रही है। इसी आधार पर दोस्तों बिहार राज्य की सरकार ने भी कुछ एनआईओएस से डीएलएड करने वालों के लिए आवेदन निरस्त कर दिए थे। वे अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे और न्यायालय ने उनके समक्ष मतलब उनके पक्ष में दोस्तों फैसला सुनाया था। इसी के बाद एनसीटीई के उप सचिव टी प्रीतम सिंह ने 6 जनवरी को देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र भेजा। इसमें कहा गया कि वे एनआईओएस डीएलएड को मान्य कर सकते हैं। निर्देश के बाद उम्मीद थी कि सरकार यूपी टेट में एनआईओएस के डीएलएड को मान्य कर देगी, लेकिन इस बार भी उन्हें मौका नहीं दिया गया। कुछ अभ्यर्थी ने यूपी टेट की नियमावली को चुनौती दी तो कोर्ट ने याचिकाओं को शामिल करने का निर्देश दिया है।
अन्य हजारों अभ्यर्थी अब भी दूर हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय ने बताया कि उन्होंने शासन को प्रस्ताव भेजा है कि याचियों को यूपी टेट में शामिल करने का निर्देश दिया जाए। उन्होंने यह भी दोस्तों माना कि इसके बाद अन्य अभ्यर्थी भी कोर्ट का रुख कर सकते हैं। 2018 व 19 में भी हो गए थे बाहर। तो दोस्त ये पूरा मामला जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं, बाकी जो अंतिम डिसीजन आएगा भैया वो देखिए सरकार का ही होगा। ठीक है, तो डीएलएड या बीटीसी के छात्र भी चाहते हैं भैया ज्यादा बच्चे ना आए परीक्षा में, ताकि कंपटीशन कठिन ना हो, आसान रहे। कम बच्चे रहेंगे तो नौकरी पाना बेहद आसान होगा। बाकी देखिए जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो इस वीडियो में दोस्त हम लोग स्कॉलरशिप का आपको लिंक दे देंगे नीचे। अगर आपकी स्कॉलरशिप, देखिए चुनाव का माहौल रहेगा, स्कॉलरशिप नहीं आई तो हो सकता है कि अगले कुछ महीनों के अंदर आपकी स्कॉलरशिप आ सकती है। ठीक है, फायदा दोस्तों यहाँ सरकार को ही होगा, भले आपको पैसा मिल जाएगा लेकिन होता है ना कि आप, हो सकता है कि वोट आप उन्हीं को दे दें। ठीक है, क्योंकि आपको रहेगा कि चलिए हमारी स्कॉलरशिप आ गई। कोरोना काल में दोस्तों स्कॉलरशिप ठीक से आई भी नहीं, बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान है स्कॉलरशिप को भी लेकर। तो स्कॉलरशिप आ जाएगी तो यहाँ पर छात्रों की एक बड़ी जीत होगी। उसके बाद दोस्तों हमारा रिजल्ट, अगर हमारा रिजल्ट लेट लतीफी हुआ तब देखिए छात्रों के लिए ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो द्वितीय सेमेस्टर चतुर्थ सेमेस्टर ये दोनों रिजल्ट बेहद जरूरी है। अगर गलती से कोई बच्चा चतुर्थ सेमेस्टर में बैक लग जाती है तो भैया दिक्कत आएगी ना उसके लिए। ठीक है, तो शिक्षक भर्ती की दोस्तों जो अपडेट होगी वो भी हम आपके सामने लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, सारी नोटिस और जो भी कुछ है उसको आप वहां पर देख पाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं।